मैनपुरी लोकसभा का उपचुनाव जीतने के बाद समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने संसद सदस्य के तौर पर शपथ ली। इस दौरान उनके साथ समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी मौजूद रहे। शपथ ग्रहण के बाद अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। वहीं 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव पर भी अपनी बात रखी। लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव गठबंधन का हिस्सा रहेंगे या नहीं, इस पर भी उन्होंने मीडिया से बात की। अखिलेश यादव ने कहा कि हम लोग समय समय पर देश के जो बड़े नेता हैं, जिसमें ममता बनर्जी हैं, KCR, नीतीश कुमार हैं, सबको एकजुट करने का प्रयास करते रहे हैं। 2024 के पहले कोई ना कोई रास्ता निकलेगा, मुझे उम्मीद है ये जो बड़े बड़े नेता प्रयास कर रहे हैं सफल होगा, हम आपस में बैठकर इसका हल निकालेंगे। वहीं मैनपुरी उपचुनाव को लेकर अखिलेश ने आरोप लगाया कि सत्ता पक्ष ने इस चुनाव को रोकने के लिए सारे हथकंडे अपनाए, लेकिन कोई भी समाजवादी विचारधारा को टिका नहीं सका। अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी ने अपनी सरकार में इस क्षेत्र के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ी। विगत विधानसभा चुनाव में यहाँ की जनता ने सपा को जिताया। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी सरकार ने प्रशासन व पुलिस के दम पर चुनाव जीतने का प्रयास किया, लेकिन मैनपुरी के हर वर्ग ने भारी बहुमत देकर लगभग 3 लाख वोटों से जिताया। आपको बता दें कि मैनपुरी लोकसभा सीट से सपा की ये चौथी सबसे बड़ी जीत है। इस सीट से सबसे ज्यादा मतों से चुनाव जीतने का रिकॉर्ड सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव के नाम है। वर्ष 2014 के लोकसभा चुनावों में यादव ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी भाजपा के शत्रुघ्न सिंह चौहान को 3,64,666 मतों से पराजित किया था।